महेश भाई। हाँ बोलो भाई। अभी जो हम लोग आए हैं ओरछा से, तो ओरछा के बारे में आपका क्या कहना है? ओरछा भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है। उसका मैनेजमेंट ठीक है और अच्छा हो सकता है। बाकी तो बढ़िया है सर, बाकी सब मस्त है। शरद सर, बहुत बढ़िया नगरी है बुंदेल राजा की। पहले तो मेरे ख्याल से इतनी सुंदर होंगी, जब बनाई होंगी तो आप सोच नहीं सकते। अभी भी मतलब भारत में इतनी सारी जो किले हैं, उन किलों में जो शाबुत किले हैं, जो बहुत सुंदर किले, उसमें से एक किला बुंदेल राजा का और वो जहांगीर महल, वाह वाह। पत्थरों की जालियाँ बनाई हुई, उसमें जो पत्थरों की जाली और जो डिजाइन और जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर इतना सुंदर आपको है, मुझे अलग अनुभव आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे। धन्यवाद। सुशांत सर, आप बताइए आपके क्या विचार है ओरछा के बारे में? ओरछा धार्मिक और हिस्टोरिकल दोनों इम्पोर्टेंस है ओरछा में। अच्छा, जो आर्किटेक्चर तरीके से भी देखना चाहता है वो भी उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है, लेकिन आधे दिन की ट्रिप बड़ी शॉर्ट होगी। आपको अच्छे से जानना हो तो पूरा एक दिन का समय निकालना जरूरी है ओरछा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। ये है खजुराहो का मार्ग, अभी रास्ता बनना चालू है। होटल ग्रीन रोड GW, फाइव स्टार होटल भी होंगे यहाँ पे? अरे होंगे, बहुत सारे होंगे, एक नहीं बहुत सारे। वेलकम टू खजुराहो। खजुराहो में आज हम रुके हैं पोस्ट ऑफिस के गेस्ट हाउस में। तो झांसी से यहाँ पहुँचने में करीब करीब हमें 3 घंटे लगे। 170 किलोमीटर रास्ता काफ़ी अच्छा है। और अभी हम निकल रहे हैं खजुराहो टेंपल की ओर। सुशांत सर, आर यू रेडी? Where are these guys? चलो। अभी बज रहे हैं 4 बज रहे ना? साढ़े चार। और ये हमारे महेश जी है, अभी तैयार हो रहे हैं मंदिर के लिए। तो अभी हम आए हैं खजुराहो में वेस्टर्न टेंपल। वेस्टर्न टेंपल इसे कहते हैं। खजुराहो के जो टेम्पल से है।
चप्पल चप्पल गिर गई। पहला मंदिर ये है ना। आगे क्या बेटा, आगे चलो। ये देखिए, ये वाला नहीं बना पाए, बुंदे राजा को बनवाया था। वो शादी के पहले वाला है, शादी के बाद वाला है। वो टाइगर जैसा लग रहा है।
तो ये है खजुराहो के अलग अलग मंदिरों का खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है और इस पे जो स्कल्पचर बना है वो तो तारीफ़ काबिल है। सूरज की रोशनी में नहाता हुआ ये खूबसूरत मंदिरों का नज़ारा। हरी भरी घास पर चलने का आनंद लेते हुए कुछ पर्यटक। आप यहाँ इस मंदिर में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है, दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज इसको माना गया है। और मैं अभी हमारे देख रहा हूँ सुंदर एनवायरनमेंट ना ग्राउंड, व्हाट एन आइडिया टू वॉच ग्राउंड। देखो थोड़ा सा ग्राउंड देखो, ये रे फोटो खड़ा है। आपका यहाँ के बारे में क्या ख्याल है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। ये जो जूम करके मैं पीछे की मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ, हाँ हाँ, काफ़ी अच्छी कलाकृति यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये बताती है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। महान है, इसके आगे हम बहुत छोटे हैं। समय कम है, अब राउंड लगाइए और फिर निकलिए। जी हाँ,
आप किस चीज का फोटो निकाल रहे हो? यहाँ का जो स्कल्पचर है उस स्कल्पचर की मैं सराहना करना चाहूँगा। बहुत चेहरे सारे तो नहीं लग रहा है। पहले आप साशा है तो पहले इंक्वायरी घेऊन घेऊ मला वाटतं सागर रोड जो आहे ना तो चांगला राहील। अच्छा पापा जी